जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे भक्तों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी उन्हें अर्पण करते हैं तो वो उनके लिए बहुत हो जाती है। जो भक्त प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता भी समर्पित करता है तो वे उस शुद्ध चित्त भक्त के प्रेम का उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करते बल्कि तुरंत भोग लगा लेते हैं। शुद्ध चित्त और सच्चे मन से उनकी आराधना करने वाले भक्तों को वे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही भक्तों में हैं नरसी भगत, जिनकी कथा हम कहने जा रहे हैं। नरसी भगत की हुंडी। जय वाणी जय शारदे, दे दो पावन ज्ञान, जिससे पावन भक्त के करु चरित का गान। धन्य काठिया वाड़िए, पावन स्वर्ग समान, समय समय प्रकटे जहां मानव महा महान। रची द्वारिका थी यही कृष्ण चंद्र महाराज, यही सुदामा भी हुए कृष्ण मित्र द्विजराज। वेदों का नाद सुनाने को यहाँ दयानंद उत्पन्न हुए, श्री पूज्य महात्मा गांधी भी बस इसी ठाम संपन्न हुए। जिन नरसी का कहते चरित्र, वो भी वासी थे इस थल के, जूनागढ़ के ये वासी थे, संचालक थे कीर्तन दल के। बचपन ही से नरसी जी को श्री कृष्ण भक्ति प्रिय भाई थी, श्री राधा कृष्ण मनोहर की पावन छवि हृदय समाई थी। अजोर मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। बचपन में ही चल बसे मात पिता सुर धाम, पालन पोषण का किया भाई ने ही काम। यद्यपि घर धनवान था सुख अमित अपार, नरसी को थी जगत में कृष्ण भक्ति ही सार। लख कर विरक्ति नरसी उर्मे, भाई ने ब्याह रचा डाला, गृह विरक्त जन के पैरों अनुरक्ति का बंधन डाला। लेकिन नरसी ने बंधन को भी उसी रंग में रंग डाला, अर्थात प्रिना अर्धांगनी को भी कृष्ण भक्तिनी कर डाला। दोनों मिल कीर्तन करते थे, प्रभु में तन्मय हो जाते थे, आरती हाथ में लिए हुए आरती कृष्ण की गाते थे। बेसुध हो जाते थे इतने, तन की भी फिकर न करते थे, लग जाती आग थी वस्त्रों में फिर भी ये बेसुध रहते थे। लख कर तन्मयता ये पावन, भगवान कृष्ण आ जाते थे, निज माया से वो छुपे छुपे अग्नि को तुरंत बुझाते थे। अजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। घटना एक दिन आ घटी था संध्या का काल, छत पर लेटा भक्त था मन में थे गोपाल। जाड़े की ऋतु
थी उजियाली, निद्रा ना आँख में आई थी, नीचे लेटे थे बड़े भ्रात, बस पास वहीं भो जाई थी। नरसी के कानों में क्रमशः दुख भरी पुकार सुनाती थी, रोती थी कोई दुखियारी, निराश्रय हो अकुलाती थी। नरसी ने कहा, सुनो भाभी, रोती है कोई दुखियारी, भारी विपत्ति की मारी है, जो अकुलाती है दुख से नारी, पर दुख से दुखी हृदय होकर उस दुखिया के ढिग जाता है, क्या जाने क्या दुख उस पर है, ये सोच हृदय अकुलाता है। वैष्णव जन वो ही कहलाता जो पीर किसी की पहचाने, पर निंदा को जो करे नहीं, पर स्त्री को माता माने। सुनकर भाभी तिलमिला उठी, जाने की नहीं जरूरत है, जाते हो अगर वहां पर तुम तो आने की नहीं जरूरत है। घर है सराय का द्वार नहीं, जो खुला रात भर पड़ा रहे, नौकरी न खाता है कोई, जो दरबानी बन खड़ा रहे। आकर नरसी ने कहा विनय सहित कर जोर, भाभी करिए कुछ दया, व्याकुल है मन मोह, जीवन मनुष्य का वही सफल, जो पर स्वार्थ अपनाता है, जो देख दुखी जग जीवों को, दुखित खुद ही हो जाता है। दुखियों का दुख जो सुने नहीं, वो नर पशुवत कहलाता है, बस इस विचार का सार समझ, नरसी दुखनी ढिंग जाता है। जोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। खोली द्वार की दौड़ा भक्त सुजान, तन पर कुर्ता एक था, ना था शीत का ध्यान। रोने के स्वर पर तुरंत पहुंच गया उस स्थान, नरसी लखी उस नारी को, दुखित हुआ महान। निर्धनी अबला का एक मात्र सुत प्राणों से जो प्यारा था, था हुआ अकाल काल उसका, जीवन का यही सहारा था। कोई ना कुटुंबी था उसका, वो वर्ण अछूत अभागी थी, दोपहर का था शव पड़ा हुआ, रोती इससे दुखियारी थी। नरसी ने ज्यों ही जा देखा, रो उठे और हैरान हुए, हो उठे विकल उसके दुख से, इतना रोए बेध्यान हुए। जब ध्यान हुआ तो तुरंत उठे, बोले माता मन धैर्य धरो, अंत्येष्टि क्रिया के करने का तुम सारा शीघ्र प्रबंध करो। घर से दो खुरपा और कुदाल कंधे पर मेरे पहुंचाओ, मैं क्रिया करूंगा जा करके, एक वस्त्र उड़ाने हित लाओ। खुरपा को दाबा बगल, कंधे रखा कुदाल, नरसी ने हाथों लिया उस माता का लाल। थी रात्रि और वन का पथ था, वो भक्त अकेला जाता था, भेड़ियों और वन जीवों का दल इधर उधर दिखलाता था। गिरती थी बर्फ हवा चलती, पर नरसी को परवाह नहीं, नरसी की कर्म पे दृष्टि थी, थी फल जाने की चाह नहीं। अंतिम क्रिया करके शव की, वो चला शीघ्र नगरी आया,
कृपा कुदाल लौटा करके उसकी माता को समझाया, उपदेश दिए बहुविधि उसको, नश्वर शरीर को रोना क्या, अपना होकर अपनत्व तजे, उसके प्रति व्याकुल होना क्या, दे ज्ञान निपुति दुखिया को, चल कर अपने द्वारे आए, जाना चाहा निज घर में जब, तब बंद द्वार सारे पाए, नरसी ने पुकारा भावज को, भावज खोलो कपाट आकर, एक लोटा नीर कुए से भर, प्रच्छालन हित दे दोला कर, हो जाई थी जागती सुन नरसी की बात, भभक उठी वो क्रोध से कांपा उसका गात, पासी जल का कलश ले खोला उसने द्वार, नरसी के ऊपर भभक दिया नीर वो डार, क्रोधित हो करके कहा भावज ने तत्काल, यहाँ निठल्लों के लिए पानी का है काल, पानी पानी हो गया भक्त, सारा शरीर थर्राता था शीत काल बासी जल ज्यों बर्फ में धंसता जाता था, आंसू बहते थे आंखों से एक दरिया सा दिखलाता था, दुख से या सर्दी के कारण आंसुओं का तार बनाता था, नरसी को ऐसा लगता था कोई सन्मुख है खड़ा हुआ, पीतांबर से पोंछता नैन खुद रोता गिरधर खड़ा हुआ, ऋतु थी यद्यपि वो जाड़े की पर शीत ना उन्हें सताता था, मानो ग्रीष्म में शीतल जल नरसी को सुख पहुंचाता था, नरसी ने सोचा ये नाते साथी सब धन दौलत के हैं, ये बने बने के रिश्ते हैं, ये जन सभी दौलत के हैं, संबंध और बातें लाखों मिलते हैं दौलत वालों को, अपनाती स्वयं मक्खियां हैं आकर के मीठे थालों को, जो भाई कहता भाई हम धन वही चाहता भाई से, जब धन से हीन हुआ भाई तो करता बात रुखाई से, हो गया सिद्ध तय हुआ आज तन नहीं किसी को प्यारा है, दुनिया को प्यारा स्वार्थ है, बिन जर के नहीं गुजारा है, मैं सोच रहा धन के द्वारा मानव दानव बन जाता है, मानव धन मद से अंधा हो मानवता को ठुकराता है, बल भी नश्वर धन भी नश्वर तो इससे प्रीत लगाना क्या, सागर में कब उठ सकती है बालू की भीति उठाना क्या, मैं प्रीत करूंगा अब उनसे जो राधा वर जो गिरधर हैं, उनसे मिलने का साधन प्रिय बस एकमात्र शिव शंकर हैं, यही सोच कर चल दिया भक्त राज शिव ओ, शीश नवाया शंभु को फिर बोला कर जो, आशुतोष भोले प्रभु तुमको है सब ज्ञान, नरसी के हृदय की है प्रभु को पहचान, सात रोज तक अन्न बिन पड़ा रहा वो भक्त, मूर्ति से लिपटा हुआ कर प्रभु में अनुरक्ति, ये दशा देख कर नरसी की भोला मन में हर्षाता था, उत्तीर्ण भक्त को
करने को मानो अब प्रश्न उठाता था। इतने ही सर्प बिच्छुओं का दल शरीर पर मंडराता था। नरसी था लीन उमापति में, नहीं किंचित वो भय खाता था। जोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। देखी शंकर ने जबी नरसी की ये भक्ति, उसी अवस्था में हुई खुद शिव की अनुरक्ति। नरसी को ऐसा लगता था मानो शंकर जी आए हैं, कह रहे पुत्र क्या मांग रहा, हम वर देने खुद आए। मैं क्या मांगू जन, बोल उठा, सब जान रहे हो इस जन की। जिस झांकी की है चाह मुझे, सब विदित आपको इस मन की। उत्तर में कहा उमापति ने, मैं जान गया जो चाहना है, श्री राधा कृष्ण का महारास तुमको नैनों से देखना है। मेरे भी मन में उत्कंठा, ले भाग रास में चलकर हम, गोपिका बने हम तुम दोनों, पाओ आनंद वहां पर तुम। शिव नरसी रूप गोपिका रख, जा पहुंचे उस निकुंज वन में, पहचान गए तब रधेवर, मुस्काए निज मन ही मन में। राधे से बोले, देखो तो दो सखियां नूतन आई हैं, ऊंचे हैं इनके संस्कार, ये शामिल होने आई हैं। इनको एक एक दे दो मशाल, जिससे प्रकाश फैलाएं, ये चाहती लाभ प्रिय रास का है, आनंद हृदय में पाए ये। बजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। महारास का जब लिया दोनों ने आनंद, नरसी की आत्मा तभी बनी पूर्ण स्वच्छंद। प्राथे था हुआ उधर ब्रिज में नरसी का, मगर बयान हुआ श्री आशुतोष भूतेश्वर का, पिंडी में फिर प्रस्थान हुआ। जग पड़ा भक्त फिर मंदिर में, तब चारों ओर निहार उठा, देखा राधा युत शाम खड़े, तो राधे शाम पुकार उठा। अब जिधर देखता था नरसी, वो जोड़ी सुधर दिखाती थी, मंदिर में मंदिर के बाहर जोड़ी सर्वत्र सुहाती थी। बावरा बना घर में आया, पत्नी को आंगन में पाया, पत्नी में राधा रूप देख, तब राधा राधा चिल्लाया। हजूर मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। देख दशा वो पति की, सुन राधे का नाम, शाम झलक लखीपति में, तुरंत कह उठी शाम। नरसी कहते थे जब राधे, तब पत्नी शाम कह रही थी, ये युगल नृत्य दोनों करते, अद्भुत गति आज हो रही थी। दोनों की बाहें दोनों के हाथों में शुभ छवि पाती थी, था नृत्य रास का प्रिय पावन, यूं कीर्तन की ध्वनि आती थी। मेरी अंगनैया में आओ ब्रजराज, तुम बिन सुनी नगरिया, मेरे नैनों में रमो महाराज, प्रेम की बाजे बसुरिया। प्यारी हो राधे तुम ही हमारी, मेरे तुम ही हो कृष्ण मुरारी, रास रचाएं आओ हिल मिल के आज, प्रेम की बाजे बसुरिया। दोनों मिलकर कर रहे
थे जब पावन रास, कृष्ण राधिका रूप का भरते उर उल्लास। आ पहुंची भावज वहां भर कर क्रोध अपार, नरसी नरसी प्रिया से बोल उठी ललकार। ये नाच रंग निर्लजपना घर में नहीं शोभा देती है, नजरों से ओट रहो जाकर मुझको ये बातें खलती हैं। आ गया भ्रात भी नरसी का, बोला चुप हो और जाने दो, ये मेरा छोटा भाई है, इसको रंगरास रचाने दो। है अभी लड़कपन दोनों में, आगे सुधार हो जाएगा, सीखेगा कुल व्यवहार नीति, सच्चा गृहस्थ बन जाएगा। भावज ने कहा, कौन युग में ये संभलेगा और सुधरेगा, आगे होंगे बच्चा बच्ची, क्या फिर भी घर में खेलेगा। कहा भ्रात ने नर्म हो, सुनो प्रिय चितलाए, आज क्षमा कर दो इसे, अपना क्रोध दबाए। हुई शांत भावच तभी चली गई एक जोर, नरसी अपने कृष्ण से कहते थे कर जोर, जइयो ना कन्हैया मेरा दिल ये तोड़ के, दिल ये तोड़ के मुझसे मुंह मोड़ के, तुझ में लगन लगी ब्रज के मोहना, जइयो ना कन्हैया निराधार हमें छोड़ के। आशा ना धन की ना महलों की इच्छा, इच्छा रहे तुमसे नाता मैं जोड़ के, जइयो ना कन्हैया मेरा दिल ये तोड़ के। इधर दिनों दिन भक्त ये था हरि में तल्लीन, कृष्ण भक्ति दंपति हृदय होती उदय नवीन, दिन दिन भक्ति चंद्रोदय बन उर्मे प्रकाश फैलाती थी, राधा राधा वर की प्रिय छवि उन दोनों को दर्शाती थी। इस बीच में एक बेटा जन्मा, एक जन्मी कन्या प्यारी थी, कन्या का नाम पड़ा रामा, संतान प्रथम सुकुमारी थी। जब पुत्र हुआ तो नाम हेतु चिंता छाई उर भारी है, सोचा मैं भक्त हूँ उन प्रभु का तो ये सांवले बिहारी है। कन्या रामा जब बड़ी हुई तो भक्त ने हृदय उछाह किया, नरसी के भाई ने रामा का विधिवत सहित विवाह किया। अपने समान ही सेठ ढूंढ सिरसागढ़ में संबंध किया, धनिकों से आकर धनी मिले मेहता का नाम बुलंद किया। अजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। बीत रहे थे इस तरह दिन दिन होकर साल, दिन दूनी नरसी हृदय जलती भक्ति मशाल। हरिजन आया एक दिवस कहा भक्त से आए, कुछ अछूत की भावना कहने से सकुचाए। आया विचार इस हरिजन के संध्या को कीर्तन हो जाए, यदि आप पधारे कीर्तन में सेवक आनंद वहां पाए। आतुर हो नरसी बोल उठे, सकुचाहट की कोई बात नहीं, नरसी तो भूखा कीर्तन का है, जाति पाति की बात नहीं। अपने प्रिय कृष्ण प्रिया के युत जिस स्थल पर आ छवि पाएंगे, उनका शुभ द्वार समझ के हम उस स्थल पर जा शरणाएंगे। समझेंगे वो थल प्रभु का है, मथुरा वृंदावन प्यारा है वही द्वारिका पुरी मेरी, ये थल ही ठाकुर द्वारा है। चला गया वो भक्त सुन
भरकर मोद अपार, संध्या होते ही गए नरसी उसके द्वार। नरसी का एक कुटुंबी था जो कुटिल स्वभाव दिखाता था, था डा उसे नरसी जी से सारंगधर नाम कहाता था। नरसी के कीर्तन जाने पर इसने विप्लव को फैलाया, जाकर कुटुंबियों में इसने नरसी को भ्रष्ट था बतलाया। कह उठा भ्रष्ट हो गया मूर्ख, जाता अछूत घर खाने को, नरसैया योग्य न लोटा के, जाता घर घर में गाने को। ये हवा बड़ी जब जोरों से घर में भी आग लगी आकर, नरसी के भाई से भावज कह उठी तुरंत गुस्सा खाकर, मैं बरसों से जो कहती थी वो बात सामने आई है, नरसी ने सारे कुल भर में कैसी ये छूत लगाई है। इसलिए उचित है मोह त्याग, नरसी का बंटवारा कर दो, खड़साल जो नगर के बाहर है वो उसको रहने को दे दो, अन्यथा भाइयों से अपना सब खान पान रुक जाएगा, लड़की लड़कों का आगे चल व्यवहार ब्याह रुक जाएगा। उसी समय आया वहां शारंगधर धनवान, नरसी से चलता सदा बदमिजाज इंसान, आते ही उसने फटकारा, कुछ ध्यान भी है क्या होता है, नरसी खाता मेहतर तक का कुलकानी सभी एक होता है, यदि भला चाहते हो अपना तो नरसी घर बाहर कर दो, जो मांस सड़ रहा हो तन का उसको निकाल बाहर कर दो। आखिर को काम हुआ वो ही जैसा शारंग मन ठाना था, पर बस भाई को भाई ने बाहर करना शुभ माना था। भजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। नरसी पत्नी पुत्र युत छोड़ चले गह धाम, हर्ष सहित रहने लगे खड़साला के ठाम, बढ़ता जाता भक्त में दिन दिन हरि का प्रेम, पति पत्नी ने कर लिया दिन भर कीर्तन ने। कुछ समय बाद एक महासेठ जूनागढ़ में चलकर आया, कन्या हित वर था ढूंढ रहा पर वर अनुरूप ना था पाया, रिश्तेदारों और लोगों ने नरसी का सुत बतलाया था, पर नगरी में आते उसको शारंग ने भरमाया था, ओछे सेठों की तरह नीच डालना चाहता अड़बंगा, समझाया बेटी वाले को नरसी अछूत है भिक मंगा, ले जाकर बहुतों सेठों के लड़के इसने दिखलाए थे, पर हरि की माया से स्वरूप वो सुत कुरूप दर्शाए थे, आश्चर्य था सुंदर से लड़के कोई काने दिखलाते थे, कोई खुतरे कोई काले कोई खब्बीस लखाते थे। थक गया इधर लड़की वाला चलकर नरसी द्वारे आया, नरसी ने आदर दिया उसे घर से सावल को बुलवाया, माँ ने जब सुना द्वार मेरे बेटा को देखने आया है, नगरी में सब लड़के देखे पर मन ना एक भिभाया है, फिर सोचा क्या पहराऊं मैं अपने सुत सावल प्यारे को, जिससे लड़की वाला खुश हो स्वीकारे लाल हमारे को, ले आई जल्द पिटारी उत्सुक हो उसे खोल डाला, बरसों के धरे वस्त्र खोले बोली झटपट पहनो लाला, चटपट ढूंढा कजरोटे को काजल को नैनों में करके,
केशों में तेल लगा करके कंघी से बाल तुरंत खींच के बोली, बेटा जाओ द्वारे, पन्नी सुंदर सी पाओगे, सांवले बिहारी मेरे हो, राधा सी दुल्हन लाओगे। माता का आया जभी सज कर द्वारे लाल, क्या जाने क्या बात थी, था एक अजब कमाल। लड़की वाले ने जब देखा तो आंखों में चकाचौंध छाई, सुंदरता में अनंग सौ छवि, वस्त्रों में चमक दमक पाई। हीरा मोती की मालाएं, सोने के आभूषण पाए, थे अलंकार सब यथा योग्य, अनुकूल वस्त्र तन पर पाए। रह गया दंग बेटी वाला, नरसी का विभव ठाठ लगकर, दे अतुल द्रव्य तय कर बरात, चलकर पहुंचा अपने घर पर। कन्या वाले ने मन समझा, बारात बड़ी ही आवेगी, नरसी ये हमसे सेठ बड़ा, सब बिरादरी संग आवेगी। पर ऐसा नहीं हो सका, हुआ और ही कार, नरसी के साथी वही कीर्तनियां दो चार। टूटी सी एक बैलगाड़ी, मंगनी में नरसी ले आए, दुर्बल थे बैल बंधे जिसने, कीर्तनियां जिसमें बिठलाए। सांवल वर था सुत नरती का, नरसी के हाथ थी करताले, खंजरी बज रही थी सबकी, उठती थी कीर्तन की ताले। हंसता था देख के शारंग शत, नगरी में बम चक जारी थी, धनिकों की तालियां पिटती थी, उठती बातें संसारी थी। नरसी ते मग्न कीर्तन में, निज भार कृष्ण ऊपर तज कर, नरसी को भान ये होता था, ये हर्ष मनाते हैं इत कर। मेरे सांवरिया यार, बराती बनके आई जाइयो, जहां जहां उलझे कार गांठ, उलझी सुलझाई जाइयो। आप भी आना, देवन को लाना, तंबू तनाना, कनाते लगाना, आवे अजब बहार, संग ऐरावत को सजवाई लाइयो। मेरे सांवरिया यार, बराती बनके आए जाइयो। ब्रह्मा को लाना पंडित बनाना, शंभू को लाना डमरू बजाना, नारद को लेना पुकार, द्वार रीति करवाई जाइयो। मेरे सांवरिया यार, बराती बनके आए जाइयो। मैंने संवलिया को ब्याह रचायो, आना संवलिया तो का बुलायो, न्योता ना देना विसार, खर्च निपटाए जाइयो। मेरे सांवरिया यार, बराती बनके आए जाइयो। लक्ष्मी ना चाहिए, धन ना चाहिए, नाता ना चाहिए, गोता ना चाहिए, तुम ही से केवल प्यार, भात संग खाई जाइयो। नरसी के प्यारे विशंभर, हमारे आना रे द्वार नंद दुलारे, तुम ही पे सौंपा भार, प्यारे समधोरा निपाए जाइयो। मेरे सांवलिया यार, बराती बनके आए जाइयो। भक्तों की खंजरी में मिली हुई खरतार, नरसी का कीर्तन इधर था कर रहा कमाल, हाँक रहा था इधर वो गाड़ी गाड़ी वान, उधर क्षीर सागर गई
ये कीर्तन कीता। नारायण एकदम चौंक पड़े जिस समय कान पहुंचा कीर्तन, विस्मित हो लक्ष्मी बोल उठी क्यों निद्रा भंग हुई भगवन। कह उठे विष्णु क्या कहें प्रिय, मोहि भक्त प्राण से प्यारे हैं, हम भक्तों के वश में रहते जग के सब भक्त हमारे हैं। भक्तों के वश में हो करी नर रूप राम का धारा था, द्वापर में भक्तों वश होकर ब्रज का मैं बना सहारा था। है भक्त वही जो सब तज कर केवल हमको ही जानता है, बन जाना और बिगड़ जाना सब मुझ में ही अनुमानता है। नरसी एक भक्त इसी ढंग का जिसको संसारिक ज्ञान नहीं, छल दंब लोह में नहीं उलझा माना पमान का ध्यान नहीं। वो लीन हो चुका है मुझसे है कृष्ण रूप पर बलिहारी, सब काम मुझी को सौंप चुका तज कर अपनी जिम्मेदारी। पल पर उसके काम सभी हर समय देखता रहता हूँ, सेवक की भांति न सोता मैं पाते पुकार जग पड़ता हूँ। नरसी के सुत की शादी है एक महासेठ के घर होगी, मैं सोच रहा उस निर्धन की कैसे बारात ये सर होगी। यदि हंसी हुई उसकी जग में तो व्यर्थ भक्ति इस जगधर की, सोते ही अभी पुकार सुनी उस नरसी परम भक्त वर की। दे रहा निमंत्रण है मुझको बाराती बनकर आने की, बारात में जो भी खर्च लगे समधी बनकर निपटाने की। केवल मुझको ही नहीं प्रिय सुर दल को साथ बुलाता है, गज रथ भंडारा धन समेत अपनी बारात बताता है। चाहता अंत में ये भी है मेरे ना भजन में विघ्न पड़े, समधी समधोरा करने में दूसरा ही नरसी रस्म करे। इसलिए प्रिय मैं जाता हूं बारात मुझे निपटाना है, सुर वृंदों को नर रूप बना सारा सामान जुटाना है। सबके संग खाऊं भात वहां समधोरा भी करना होगा, नाई की जरूरत आने पर हमको ही नाई बनना होगा। लक्ष्मी बोली हे जगपते प्रभु साथ मुझे भी ले लीजिए, बारात ब्याह के उत्सव में इस भात भोग का सुख दीजिए। प्रभु बोले अभी नहीं प्यारी, आता वो समय अगारी है, इस बार तुम्हें संग लेने में हो रही भक्त की रवारी है। भजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। उठे विष्णु आतुर तभी लक्ष्मी को समझाए, गाड़ी नरसी की उधर गई नगर ढिगवाए। लड़की वाले ने कुछ अनुचर लेने को खबर पठाए थे, गाड़ी जिस जगह थी नरसी की वो सभी वहीं पर आए थे। पूछा कोई बारात इधर आती जाती देखी भाली, बतलाता गाड़ी वान मुझे है जूनागढ़ से आने वाली। उत्तर में नरसी बोल उठे भैया बारात ये वो ही है, जूनागढ़ से हम आते हैं बारात भक्त नरसी की है। आश्चर्य भरे अनुचर बोले भाई क्यों मुझे बनाते हो, जूनागढ़ के उन महासेठ
नरसी का नाम लजाते हो। नरसी ने कहा भक्त हरि का संसार में झूठ न बोलेगा, क्या लाभ है झूठ बोलने में, अस्तित्व जो अपना खोएगा। ये सुनकर अनुचर सभी गए सेठ डिग आए, नरसी की बारात का कहा हाल समझा। आश्चर्य से भरे कह उठे सेठ, ये क्या कौतुक क्या माया है, जिसको समझा था सेठ महा उसमें ये धोखा खाया है। लड़के को देखा जब मैंने, बहुमूल्य वस्त्र तन धारे था, आभूषण मणि मुक्ताओं के भूषण स्वर्ण सब धारे था। क्या मांग के लाया था नरसी केवल मेरे बहकाने को, शारंग रोकता था मुझको सचमुच ये बात बचाने को। अनुचरो जाओ जल्दी जाओ, नरसी को जा लौटा दो, तुम है कुशल इसी में फिर जाएं, ये भली भांति समझा दो तुम। अनुचर धाये शीघ्र ही फिर आए उस ठाम, अब की देखा तो वहां थी बारात अभिराम। हाथियों की लगी कतारें थी, घर घर स्वदंद गहराते थे, अश्वों की गणना कठिनी हुई, सब एक और छवि पाते थे। पीनसों और सुख पालों का एक तांता लगा दिखाता था, रावटियों भरी गाड़ियां थी, बाजों का शोर सुनाता था। अनुचर ने जब देखी बारात, रह गए सन्न सब भूल गए, जनगणना करना कठिन हुआ, तन की गतिमति सब भूल गए। चहू और सेठ नरसी की जय, चारण गण खड़े सुनाते थे, बारात थी कोसों तक ठहरी, ये पार ना उसका पाते थे। भागे अनुचर आएपुर में, सब घटना वैसी बतलाई, मालिक पहले वो धोखा था, बारात है अब सारी आई। बारात है बहुत बड़ी लंबी, गणना करना आसान नहीं, जिसमें असंख्य बाराती हैं, पहुंचा सकते जलपान नहीं। घोड़ों की और हाथियों की संख्या का कोई शुमार नहीं, गाड़ियां असंख्य जिंस की हैं, है आपके ऊपर भार नहीं। सन्नाटे में हो गया सेठ, हाँ लाज हमारी जावेगी, आई असंख्य बारात अगर तो कैसे संभल पाएगी। अच्छा ठहरो मैं चलता हूं, समझी नरसी से मिलना है, वो ही लज्जा को राखेंगे, उनके ही पैरों पड़ना है। यह कह करके सेठ तब गया वहां तत्काल, जहां खड़े नरसी बने कृष्ण चंद्र गोपाल। आते ही पैरों गिरा शीघ्र, बोला समझी निर्वाह करो, प्रभु महा सेठ हो राजा हो, इस निर्धन का निर्वाह करो। बारात आपकी भारी है, राशन ना पूर्ण हो पावेगा, लज्जा की बात हमें होगी, कोई जो भूखा जाएगा। नरसी के रूप विष्णु बोले, हे समधी मत घबराओ तुम, पूरा प्रबंध मैं कर लाया, सानंद नगर घर जाओ तुम जाकर करो प्रबंध वहां, बस द्वार चार अब हो जावे, हैं काम बहुत रात्रि भर के, बात ये प्रथम निपट जावे। हर्षित हो सेठ गया पुर को, सारा प्रबंध जा करवाया, इतना चरित्र हो
गया मगर नरसी कुछ नहीं जान पाया। नारायण बने इधर नाई नरसी को बतलाया आकर है द्वार चार की घड़ी लगी चलिए बारात को सजवा कर। नरसी बोले अच्छा भैया वर सांवल साथ में जावेगा क्या काम वहां पर नरसी का नरसी यहां ही सुख पावेगा। नाई बोला हे भक्तराज वर क्या क्या जा निपटावेगा है ब्याह के कारज कठिन बड़े धन राशि को कौन चुकावेगा। कह उठा भक्त सांवलिया संग ब्रज का सांवरा सिधाएगा इस द्वार चार का नेक जोग मेरा ब्रजराज चुकावेगा। नाई नारायण लज्जित हो वर साथ लिए फौरन धाए सुरपति के ऐरावत गज पर वर सांवल कोला पिटलाए। नरसी के रूप में आप हुए रथ में आकर आसीन हुए सुरवृंद सभी नरवृंद रूप गज अशुओं पर आसीन हुए। चलती बारात जनवासे से आगे पुरवासी सब धाए लड़की वाले भी आगे बढ़ नरसी के स्वागत हित धाए। दे पान प्रथम फिर चरण छुए दी भेंट में मणि की मालाएं मुहरों का फिर तोड़ा देकर बोले चलिए हम सुख पाए। चलकर बारात द्वारे आई फिर द्वाराचार लगा होने ब्रह्मा पंडित बन कर बैठे नारियों के गान लगे होने। याचक कर दिए अयाचक सब नरसी के द्वारे पर आकर लड़की वाला अति हर्षित था समधि को यथा योग पाकर। भजोरे मन राधे कृष्ण हरि जय श्री राधे कृष्ण हरि। द्वार चार विधिवत हुआ अंत में ब्याह नगरी में व्यापात भी हर्ष भरा उत्साह। भामरे समय में नरसी ने मंडप में द्रव्य लुटाया था नरसी के रूप में जगपति को कोई जन जान न पाया था। समधोरे का जब समय हुआ तब प्रभु के ये मन में आया सुत ब्याह का पितु को लाभ न हो जो मंडप बीच नहीं आया। तक्षण नाई बन आप गए नरसी को मंडप ले आए समधि समधि का समधोरा नंद के छोरा ने करवाए। ज्योनार हुई जब संध्या को नरसी को मंडप में लाए साथ ही साथ सब कीर्तनिया मंडप के भीतर बिठलाए। लड़की वाले ने कहा हाथ जोड़ शिरनाए समधि अपने मान्य गण दीजे सब बतलाए। नरसी बोले पूछते मान्य तो मान्य हमारा गिरधर है यदि और मान्य हो पूछ रहे तो मान्य मेरा शिव शंकर है। ये हृदय मान्यता हो जिसको वो ही प्रिय मान्य हमारा है। जो अगम अपार जगपति है उसका ही हमें सहारा है। कह उठा सेठ वह मान्य कौन उनके चरणों को छूना है आप मान्य दर मान्य है वो उनकी नजरों को देना है। नरसी ने कहा पूछना क्या वो तो सर्वत्र सुहाते हैं आंख को मूंदो फिर खोलो घट घट में वो दर्शाते हैं। नेत्रों को बंद सेट करके देखा ब्रजराज सुहाते हैं दाएं पे ब्रह्म सुशोभित हैं बाएं शंकर छवि पाते हैं। इंद्रादिक नारद सहित देव
मंडप में सभी दिखाते हैं, मानवी वेश में राज रहे मानवगण जान न पाते हैं। ये गूढ़ रहस्य है भगवान का, कुछ भेद न नरगण पाते हैं। अपने भक्तों के रहने हित जग के ज्ञानी भरमाते हैं। सारांश भेद इस लीला का नरसी ने नहीं जान पाया। भारी बारात की भीड़ भाड़ को सेठ ने नहीं जान पाया। लड़की वालों ने ये देखा, दरमान्य यही तो प्यारे हैं। नजरें भेटे दे पैर छुए, बोला बड़ भाग हमारे हैं। मिल गए आपसे मान्य मुझे, ये भेटे लो स्वीकार करो। प्रभु आपके योग्य है भोज कहां, स्वीकारो अंगीकार करो। जनवेश में हर्षे तब जनपति, धन लिया मगर सकुचाते थे। खाते जाते थे हरि भोजन, हर शिव से यूं बतलाते थे। ये नजरों भेटो वाला धन समधि से मैंने पाया है। हो गए ऋणी हम नरसी के, कर्जी भगवान कहाया है। नरसी के हित हम किसी समय ये कर्ज चुकाने आवेंगे। नरसी के समधि के द्वारे हम ब्याज सहित निपटावेंगे। इस भांति ब्याह जब निपट गया, तब विदा बरात हुई। आखिर कन्या के संग असंख्य द्रव्य जूनागढ़ लाए। हर्षाकर भगवान कृपा से सभी कार्य सानंद हुए, सोत्साह हुए। शारंग कमद मर्दन करने प्रगटित जग सांवल शाह हुए। अब लोक ब्याह की धूम धाम, विद्रोही हृदय मलिन हुए। नरसी दिन कर की भांति खिले, शारंग हिम कर शीन हुए। बीत रहे थे इस तरह दिवस मास अरुसाल, साधु संत में लुट रहा था दहेज का माल। पितृश्राद्ध के दिन हुई बात अनोखी एक, न्योता खाने के लिए आए विप्र अनेक। घट गया था घी पूरा न पड़ा, घबराया तब परिवार सभी। हाथों में पात्र उठा नरसी, आतुर धाए बाजार तभी। मिल गया संत मंडल मारग, जो कीर्तन करते जाते थे। नरसी थी लेना भूल गए, संतों के संग में गाते थे। भगवान ने सोचा नरसी तो बेखबर है मेरे कीर्तन में, किंचित भी इसको ध्यान नहीं। ब्राह्मण बैठे हैं आंगन में, घी गया नहीं जो नरसी घर, तो भंग श्राद्ध हो जावेगा। होगी बदनामी नरसी की, जग सारा इसे खिजावेगा। इसलिए कर्म ये मेरा है, नरसी बन घी को पहुंचाऊं। जो मेरे नाम में भूला है, उसका मैं कारज निपटाऊं। घी पहुंचा शीघ्र ही नरसी बन भगवान, भोजन कर निज घर गए वे सारे मेहमान। साधुओं के संग गाते गाते भाई द्वारे नरसी आया। भाई को श्राद्ध जिमाने का, तब ध्यान भक्त के उर आया। अंदर घुस गया महल में चट, भाई भावज को शिरनाया। फिर कहा श्राद्ध के न्योता को, भैया सेवक देने आया। सुनकर भावज ललकार उठी, किसको न्योता देने आए। तुम घर घर खाकर छूत हुए,
क्यों धर्म मेरा लेने आए, इसलिए तुम्हारा आना भी इस घर में है स्वीकार नहीं। तुम घर से अभी चले जाओ, आना फिर कोई बार नहीं। नरसी ने कहा कि ये आज्ञा स्वीकार मुझे भाभी प्यारी, क्या करूं मैं हर के हाथ बिका, मेरे वो सर्वस गिरधारी। भजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। घी की घटना से बड़ा और भक्त में चाव, हरि भक्ति का दिनों दिन ज्यादा हुआ लगाव। नरसी भ्राता के यहाँ कुछ वर्षों के बाद न्योता नगरी का हुआ भोज बड़ा सहलाद। कह उठा भ्रात निज नारी से, पूरी नगरी आमंत्रित है, नरसी को नहीं बुलाया है, ये बात बहुत ही अनुचित है। भाई है छोटा निर्धन है, उसको भी बुला लिया जावे, एक बाप के दोनों बेटे हैं, इस भोज में वो भी खा जावे। झल्ला कर नारी बोल उठी, वो यहाँ न आने पावेगा, उससे अच्छा चांडाल भी है, आकर के भ्रष्ट बनावेगा। ममता है तुमको यदि भाई की, तो भाई के घर जाओ तुम। नरसी संग विष्ठा खाना हो, तो घर उसके रह खाओ तुम। चुप हुआ भ्रात ममता को दबा, और इधर श्राद्ध आरंभ हुआ। पत्तले पड़ी सबके आगे, खटरस व्यंजन प्रारंभ हुआ। लड्डू जलेबियां दूध दही, बालू शाही पेड़े आए, शिखरन सुतफैनी साथ साथ, नमकीन समोसे भी आए। आई कचौड़ियां गरम गरम, पूड़ियां गरम भरकर लाए, कटहल भिंडी और केले के कीमती साग सारे आए। श्री गणेश करने लगा आंख मीच समुदाय, खोल नेत्र देखा जभी, गए सभी घबराए। पत्तलों पे विष्ठा पीप रक्त, हड्डियों ढेर दिखाते थे, छी छी करके समुदाय वर्ग द्वारे पर भागे जाते थे। हो गया रंग बदरंग सभी, बदनामी का एक शोर हुआ। नरसी का भाई ये लगकर निज मन में सुखी विभोर हुआ। बोला नारी से पहले ही, मैंने समझाया था तुमको, नरसी में भक्ति हरि की है, तुमने ना बुलाया है उसको। नारी बोली, यदि यही बात तो अभी बुलाए लाती हूँ, इन सबको रोको द्वारे पर, मैं पल में वापस आती हूँ। यह कहकर भावज शीघ्र उठी और नरसी को लेने धाई। नरसी से कहा, उठो देवर, भावज तुमको लेने आई है, भोज गांव भर का भारी, कुछ सुध तुमसे बिसराई मैं, भैया ने तुम्हारे बुलवाया, इसलिए दौड़ती आई मैं। हर्षित हो निश्चल भक्त उठा, कह उठा हानि क्या इसमें है, मैं तो सेवक हूं चरणों का, अभिमान न मेरे मन में है। भजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। चलकर भाभी साथ तब आया भ्राता द्वार, द्वार खड़े समुदाय से बोला भक्त पुकार,
मेरे खातिर क्यों रहे खड़े, ना हक क्यों विलम लगाया है। बैठो चल कर सब पत्तल पर, सेवक सेवाहित आया है। मोहन के माखन मिश्री सम, आनंद सबों का पूरन हो। मेरे भैया का भंडारा, हे सांवल प्रभु संपूर्ण हो। पुरवासी फिर सब आ बैठे, हरि की माया दर्शाती थी। मिष्ठानों और व्यंजनों की अब शुभ जो नार सुहाती थी। खाने सब लगे प्रेम से मिल, उन सब में स्वाद निराला था। एक और खड़ा था भक्त राज, जिसके उर बंसी वाला था। खा चुका जभी समुदाय सभी, पंगति उठ कर द्वारे आई। हो गया सफल वो भंडारा, भावज भी तभी वहीं आई। नरसी ने कहा कि आज्ञा दो, बोली भावज अच्छा जाओ। छल छंदी के मुँह ने न कहा, देवर भी तुम खा कर जाओ। भजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। नरसी उर में था नहीं कोई भी दुख द्वंद, मान अपमान उर था नहीं, जाता था सानंद। दिन दिन नरसी में बड़ा हरि से पावन प्रेम, सांझ सवेरे का बना नित कीर्तन का नेम। नारी पुत्र के साथ मिल, जपते नित भगवान, गाते मिलजुल प्रेम से यह कीर्तन का गान। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, राधे का ही नहीं अकेला, वो तो है सबका प्यारा। यमुना तट पर कदम के नीचे बंशी श्याम बजाए रे, गोपी ग्वाल साथ में नाचे प्यारा रास दिखाए रे। गिरिवर धारी कुंज बिहारी, मोहन ब्रज उजियारा, महाशक्ति वृषभानु दुलारी, राधे वलबल जाए रे। हमें कन्हैया रास दिखा दे, नैना क्यों तरसाए रे। खिलखिल करके हंसे चांदनी, चंद हंसे उजियारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। नगरी में साधु संत जो विद्वान पुरुष आ जाते थे, नरसी सबकी सेवा करते, अपने आश्रम ठहराते थे। ईर्ष्यालु कुटुंबी कहता था, नरसी ये ढोंग रचाता है, झूठी ये भक्ति करता है, संतों से लाभ उठाता है। बस उन्हीं दिनों की चर्चा है, कुछ यात्री चल कर आए थे। नगरी के धूर्त मनुष्यों के बहकावे में बहकाए थे। शिवरात्रि पर यात्री आए नरसी पास, कहा द्वारका जाएंगे कर उन प्रभु की आस। हम सबके धन को ले करके हुंडी हम सबको लिख दीजिए, द्वारिका में आपका रोकड़िया, बस उसका नाम बता दीजिए। नरसी ने कहा, अरे भैया ये किसने तुम्हें बताया है, मेरा ना वहां कोई रोकड़िया, किसने तुमको बहकाया है। वे सब बोले, हे महासेठ ऐसा ना असत्य करो भाषण, हम सब पर दया कीजिएगा, जिससे हरि के पाए दर्शन। बहुतेरा कहा भक्त ने था, पर उन सब ने नहीं ध्यान किया। नरसी के हाथ सबों ने मिल
अपना अपना धन डाल दिया। नरसी ने कहा, अगर तुम सब नहीं मानते हो तो कहना है, रोकड़िया अपना सावल है, उस नाम की हुंडी लिखना है। यह कहकर भक्तराज ने उठ हुंडी लिख बारी बारी से, प्रति हुंडी सकार देने की विनती लिख श्याम बिहारी से। हे सावल शाह द्वारका के, हुंडी सबकी निपटा देना, मैंने रुपया कर लिया जमा, मत मेरा कहा भुला देना। हुंडी लिखकर दस्तखत करके यात्रियों के हाथों दी हंसकर, चल दिए सहर्ष सभी यात्री द्वारिकापुरी आए चलकर। नरसी के आश्रम में संतों का बढ़ता जाता गुरुद्वारा था, नरसी के धन हाथों आया, अब क्या था बस पौबारा था। पहुंचे चारों भक्त थे द्वारवती जिस काल, ढूंढे फिरे पर नहीं मिला सावल कोठीवाल। शोकित हो कहने लगे, कैसा धोखा है, नरसैया कितना छली रहा भक्त कहलाए। वो साधु टिका कर इसीलिए अपने को भक्त बताता है, शारंग ने सबको मुड़वाया, आधा धन उससे पाता है। इतने हम मूर्ख हुए चारों, जूनागढ़ में धन सौंप दिया, कपटी शारंग के कहने से नरसैया का विश्वास किया। धन के बदले कागज कोले, द्वारिकापुरी अच्छे आए, धन के न रहे हर के न रहे, अच्छा दर्शन करने आए। आ गए पास हर के हम सब, पर दर्शन में ये मजबूरी, धन बिना न दर्शन हो सकते, है पास मगर प्रभु से दूरी। हाय हाय ये मजबूरी, तेरे पास मैं हूं और ये दूरी, मोहे पल पल कल न आए, तोरी कैसी ये राजधानी, तोरे द्वार पे जीवन जाए। हाय हाय ये मजबूरी। आशा फागुन के दिन बीते, बैठे आस लगाए, जिस फागुन में मिले दर्श तोरा, कैसे हम सब पाएं। यह रस रंग का मेरा फागुन यूं ही बीता जाए, हाय हाय ये मजबूरी। प्रेम के बंधन बांध के छोड़ा, बंधन ना प्रभु टूटे, तेरे दर्शन का कौन भरोसा, सब संसारी झूठे। आज बनी बैरिन निराशा, पीर भी कैसा जाए, हाय हाय ये मजबूरी। रो रो कर जियरा घबराए, दर्श बिना अकुलाए, भ्रम के अग में हम सब भर में, कैसे मार्ग पाए। हाय हाय ये मजबूरी। होते थे मन में दुखी इस प्रकार सब लोग, इतने ऋषि का साधुओं में लगता नित हरि भोग। रुपये पाकर 700 आया यही विचार, भंडारा कर साधुओं का होना मुझको पार। ये धन द्वारिका पति का है, उनके ही नाम पर देना है, हरि के प्यारे हैं संत सकल, उनकी तृप्ति कर देना है। लक्ष्मी की नहीं है चाह हमें, ये धन दीनों में लुटाना है। मैं सेवक हूं राधेवर का, उनके ही अर्थ लगाना है। फिर सोचा हुंडी तो लिख दी,
मेरा रोकड़िया कौन वहाँ, ढूंढते घूमते सब होंगे, पाते होंगे नहीं चैन वहाँ। आकर के यही कहेंगे वो, अच्छा हमको बहकाया है, दुनिया को ठगने की खातिर ये कृष्ण नाम अपनाया है। यही सोच कर मूर्ति ढिंग गया भक्त वो धाय, करतालों के साथ में उठा राग ये गाय। सरस सलोने सोहने सुंदर सांवल शाह, रखिए अपने दास पर अपनी मेहर निगाह। मेरी हुंडी चुकाओ करतार रे सांवले गिरिधारी, मेरा तुम पर ही सारा भार रे, मेरे तुम हो तो हितकारी। काहू को धन की प्यास बढ़ी है, काहू को कुटुंब की आस चढ़ी है, काहू को धन है माल खजाना, मेरे तो वीणा और झांझ करतार रे। मेरे सांवले गिरधारी मेरी हुंडी चुकाओ। कोई को चाहे कुटुंब कबीला, कोई बना जग रंग रंगीला, मेरा रंगीला और रसीला तू ही सांवरिया यार रे। मैं क्या जानूं तेरी माया, अपने हित धन अपना पठाया, तेरा जो पाया तुझ में लगाया, मन में तू कर ले विचार रे, मेरी हुंडी चुकाओ करतार रे। इधर द्वारका में मचा भक्त गणों में शोर, दर्शन हित यात्रियों की भीड़ बड़ी चहुओ। मंदिर के पट्टे बंद मगर जय जय के नारे छाते थे, दर्शन को यात्री आतुर थे, पट बंद देख अकुलाते थे। शंख ध्वनि होती थी भीतर, घड़ियाल का शब्द सुनाता था, पर फिर भी था आश्चर्य महा, पट द्वार बंद दिखलाता था। हैरत में पड़ा पुजारी था, श्रृंगार न पूरा कर पाता, ढूंढता वस्त्र और अलंकार, पर नहीं वहां पर था पाता। मिल गया मुकुट तो क्रीट नहीं, पीतांबर तो कुछ और नहीं, शीघ्रता पुजारी करता था, पर चलता था कुछ जोर नहीं। चंदन की खोर खींचता था, शीघ्रता से वो कुछ जाता था, था हार डालता गले में वो सिर ही पर रह जाता था। द्वारका भवन की प्रिय मूर्ति द्वारका पते उलझन में थे, हुंडी वाले उन पथिकों के हुंडी देने की धुन में थे। दुखी उधर थे यात्री उस पेड़ी पर चार, कोई उपाय मिले नहीं छाया दुख अपार। कोई युक्ति चली नहीं आया तब ये ख्याल, कीर्तन गाए मिल सभी तब सुधिले गोपाल। कृष्ण कृष्ण तू बोल अरे मिल, कृष्ण कृष्ण तू बोल, जन्म लिया तन नर का पाया, 84 मत डोल। इस नर तन को व्यर्थ गमाता, जग माया में घोल, भव सागर में गोता खाता, चहु दिशी रहा टटोल। कृष्ण कृष्ण तू बोल। भक्ति रूप डुबकी को लेकर मुक्ता मुक्ति रोल, काया रूपी इस प्याली में नाम का अमृत घोल। कृष्ण कृष्ण तू बोल। जग जीवों की आशा तजकर नाम कृष्ण का बोल, कहे विशंबर कृष्ण राधिका दोनों हैं अनमोल। कृष्ण कृष्ण तू बोल अरे मन राधे कृष्णा बोल। इन तारों के स्वरों की गूंज उठी जब तान, व्याकुल मंदिर में तभी हुए कृष्ण भगवान।
चटपट धाए उन भक्तों ढिंग, सांवला शाह का बाना था, हाथों में रोकड़ बही लिए, सिर पर सेठों की पगड़ी धर। भक्तों ने पूछा कौन हो तुम, वे बोले शाह कहाता हूँ, हुंडियां चुकाना काम मेरा, मैं सांवल शाह कहाता हूँ। पेड़ी है दूर तलक मेरी, इसलिए विलंब मैं जाता हूँ। कीर्तन का भारी प्रेमी मैं, कीर्तनियों में मिल जाता हूँ। नरसी का रोकड़िया मैं हूँ, मैं उनकी रकम चुकाता हूँ। करते जो भक्त कीर्तन हैं, उनके ढिंग पहले जाता हूँ। यदि कीर्तन कर पहले तुमने श्री कृष्ण कृष्ण गाया होता, तो अन्य यात्रियों से पहले मैं इसी जगह आया होता। जो देर हुई तुम लोगों को, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। जाकर मत कहना नरसी से, इतनी मैं कृपा चाहता हूँ। प्रमुदित हो गए तभी चारों, कष्टों का पल में अंत हुआ। इन चारों भक्तों के धन का प्रभु से भुगतान तुरंत हुआ। फिर सबने देखा उसी समय, मंदिर का पल में द्वार खुला। इन चारों हित ही देरी थी, संपूर्ण इन्हें श्रृंगार मिला। द्वारका पते की शुभ झांकी, प्रतिदिन से आज मनोरम थी। साक्षात सांवरे प्रभु से बढ़, नहीं कोई भी शोभा कम थी। हो गए विभोर भक्त गण सब, न्योछावर लगे प्राण करने। सुंदर अपूर्व दर्शन पाकर, कीर्तन का लगे गान करने। कृष्ण कृष्ण राधे गोविंद, भज श्री मुकुंद जय बोल। पाप गठरिया जग में रखकर, पीट रहा क्यों ढोल। श्री मुकुंद जय बोल। भक्ति प्रेम के गहरे रंग में, काया चादर घोल। भव सागर में गोता खाता, होकर डावा डोल। श्री मुकुंद जय बोल। मोती श्री हरि संकीर्तन के, जल्दी जल्दी रोल। इस झूठे जग में है विशंबर, निधि यही अनमोल। श्री मुकुंद जय बोल। बेचारे आए जबी जूनागढ़ सहलाद, आकर नरसी से कहा सांवल का संवाद। अजरस से नरसी बोल उठे, क्या सच हुंडी भुगतान हुई? नरसी से तुम चारों बढ़कर, तुम सबकी भक्ति महान हुई। हमसे ज्यादा तुम भाग्यवान, जो मेरे प्रभु से मिल आए। नरसी जिनके हित तरस रहा, उन सांवल के दर्शन पाए। वारी नरसी उन चरणों पर, जो श्री वृषभानु दुलारी हैं। उन कीर्ति लाडली की छवि पर, मोहित अपने बनवारी हैं। राधा 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 राधा, तू हरेगे इस मन की बाधा। राधा ही मेरी मुक्ति शक्ति, तुमको ही मैंने आराधा। विहल होकर प्रेम से बजा उठा करतार, नाच नाच कीर्तन कभी प्रेमी उठा पुकार। भजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। भजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। भजोरे मन राधे कृष्ण हरि, जय श्री राधे कृष्ण हरि। भजोरे मन राधे कृष्ण।